कई यात्रियों के लिए विदेशी वन्य जीवन को देखने का मौका किसी विशिष्ट स्थान पर छुट्टियां बिताने का एक प्रमुख कारण है। हम अलग नहीं हैं। अजीब और अजीब जानवर हमेशा हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे अधिकांश दौरे यात्रियों को दुनिया के कुछ सबसे असामान्य वन्य जीवन को देखने का अवसर दें। वहां जंगल में कुछ सचमुच विचित्र जानवर हैं, इसलिए हमने आपके आनंद लेने के लिए हमारे 10 पसंदीदा अजीब दिखने वाले जानवरों की एक सूची एकत्र की है और शायद आप उनकी तलाश में भी जा सकते हैं। 8 पेंगोलिन अफ्रीका और एशिया। पेंगोलिन वास्तव में विचित्र जीव हैं जो कुछ कुछ बख्तरबंद चींटी खोरों की तरह दिखते हैं। दरअसल इनका दूसरा नाम स्केली एंटाइटर्स भी है, आश्चर्यजनक रूप से। हालांकि वे कुत्तों, बिल्लियों और यहां तक कि सीलों से कहीं अधिक निकटता से संबंधित हैं, जो कि एंटेटर या आर्मडिलोस हैं, वे स्तनधारी हैं जो वे सबसे अधिक मिलते जुलते हैं। अपने अजीब दिखने के बावजूद हमें लगता है कि पेंगोलिन वास्तव में काफी प्यारे होते हैं। उनकी मनमोहक आंखें और बड़े पैर होते हैं और निश्चित रूप से जब उन्हें खतरा होता है तो गेंद में घुस जाने की उनकी आदत होती है। पेंगोलिन को देखने के लिए उप सहारा अफ्रीका एक अच्छी जगह है, जहां 3 अलग अलग उप प्रजातियां देखी जा सकती हैं। अफसोस की बात है कि मांस और शल्कों के लिए गहन अवैध शिकार और अवैध शिकार के कारण पेंगोलिन की कई प्रजातियां अफ्रीका के साथ साथ एशिया में भी गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गई हैं। 2 मेडागास्कर। मेडागास्कर कई अजीब जानवरों के घर के रूप में जाना जाता है, जिनमें से अधिकांश दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण एए है, जिसकी उभरी हुई आंखें, लगातार बढ़ते दांत और लंबी उंगलियां हैं। ये दिखने में बहुत डरावना हो सकता है, खासकर तब जब आपका अचानक रात में जंगल में किसी से आमना सामना हो जाए। एएस एक प्रकार का लेमुर है और विशेष रूप से मेडागास्कर के जंगलों में पाया जा सकता है, जहां वे रात में चारा खोजने के लिए निकलते हैं। 3 कैपीबारा, दक्षिण अमेरिका। कैपीबारा सबसे बड़े जीवित कृंतक हैं और लैटिन अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। वे बड़े सामाजिक समूहों में जल निकायों के पास रहते हैं, जो शुष्क मौसम के दौरान 100 व्यक्तियों तक पहुंच सकते हैं। उन्हें अक्सर विभिन्न पक्षियों के लिए पर्च के रूप में काम करते हुए देखा जाता है, जो उनकी असामान्य उपस्थिति को बढ़ाता है। कैपीबारास के बारे में एक बात जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है वह यह है कि वे अविश्वसनीय रूप से तेज हैं। जरूरत पड़ने पर घोड़े की तरह तेजी से दौड़ने में सक्षम हैं। वे 5 मिनट तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं और शिकारियों से बचने के लिए उन्हें इस तरकीब का इस्तेमाल करते देखा गया है। 4 आर्माडिलो गर्डल्ड छिपकली, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी और पश्चिमी केप प्रांतों में पाई जाने वाली यह छिपकली हमें एक छोटे ड्रैगन से ज्यादा कुछ नहीं याद दिलाती है। यह समानता विशेष रूप से तब स्पष्ट होती है जब वे खुद को खतरे से बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी व्यवहार के कारण उन्हें यह नाम मिला है। आर्माडिलो गर्डल्ड छिपकलियों के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि वे कुछ छिपकली प्रजातियों में से एक हैं जो जीवित बच्चों को जन्म देती हैं, और कुछ सबूत हैं कि मादाएं वास्तव में अपने बच्चों को खिला सकती हैं, जो और भी असामान्य है। 5 शानदार फ्रिगेट बर्ड, गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप समूह के स्थानिक ये अविश्वसनीय पक्षी लगभग 2.5 मीटर के पंखों का विस्तार करते हैं और इन्हें समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ते हुए देखा गया है। उन्हें कभी कभी मैन ओ वॉर पक्षी कहा जाता है, क्योंकि वे उड़ते समय अन्य पक्षियों पर हमला करना पसंद करते हैं और कभी कभी उनका भोजन चुराने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि जो चीज इन पक्षियों को वास्तव में अजीब बनाती है वह है नर की छाती पर बड़ी लाल थैली, जिसे वे एक साथी को आकर्षित करने की कोशिश करने के लिए गुब्बारा बनाते हैं। 6 फोसा,
मेडागास्कर। इन बिल्ली जैसे जानवरों की लंबाई 4 फीट तक हो सकती है और शोधकर्ताओं का मानना है कि वे अधिक परिचित नेवले और उसके जैसे अन्य जानवरों से सबसे अधिक निकटता से संबंधित हैं, हालांकि वे काफी हद तक कौगर की तरह दिखते हैं। फोसा मुख्य रूप से लीमर खाता है और मेडागास्कर का एकमात्र मांसाहारी है जो वयस्क लीमर को भी खाने के लिए पर्याप्त बड़ा है। उनका लंबा शरीर, छोटे गोल कान और छोटे पैर उन्हें इस सूची में जगह दिलाते हैं। हालांकि पेंगोलिन की तरह हम यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकते कि वे बहुत प्यारे हैं। 7 स्लॉथ लैटिन अमेरिका। अपनी धीमी गति के लिए जाने जाने वाले स्लॉथ लैटिन अमेरिकी देशों जैसे पनामा, ब्राजील और कई अन्य देशों में पेड़ों के बीच पाए जा सकते हैं। उनके चेहरे थोड़े उदास दिखते हैं और कुछ कोणों से वे मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी गति की धीमी गति उनके धीमे चयापचय के कारण होती है, जो उनके पत्तों के आहार का परिणाम है, और यह भी माना जाता है कि इससे उन्हें उन शिकारियों द्वारा पता लगाने से बचने में मदद मिलती है जो दृष्टि से शिकार करते हैं। स्लॉथ आज छोटे और प्यारे हो सकते हैं, लेकिन लगभग 11,000 साल पहले तक उनके पूर्वज जमीन पर घूमते थे और आधुनिक हाथियों से बड़े थे। 8 मखमली चींटियां दक्षिण अमेरिका। भ्रमित करने वाली बात यह है कि ये कीड़े वास्तव में कई अलग अलग नस्लों के ततैया हैं। मादाएं पंखहीन और बालों वाली होती हैं और काफी हद तक चींटियों जैसी होती हैं। चिल्ली में कुछ नमूने काले और सफेद रंग के पाए गए हैं और जब आप इन्हें देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इन्हें पांडा चींटियां भी क्यों कहा जाता है। ये कीड़े अपने बेहद दर्दनाक डंक के लिए जाने जाते हैं। वास्तव में इन डंकों की ताकत इतनी है कि इन ततैयाओं को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, गाय हत्यारे। 9 गुलाबी परी आर्माडिलो अर्जेंटीना। ये खूबसूरत विचित्र जीव इस सूची में हमारे पसंदीदा हो सकते हैं। गुलाबी परी आर्माडिलो एक छोटा प्राणी है जो केवल मध्य अर्जेंटीना में पाया जाता है और वे इतने दुर्लभ हैं कि वैज्ञानिक उनकी संरक्षण स्थिति को वर्गीकृत करने में भी सक्षम नहीं है। मनुष्य के हाथ में फिट होने के लिए पर्याप्त छोटे ये छोटे आर्माडिलोस रात्रिचर होते हैं और जमीन में दफन हो जाते हैं।